खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां बहराइच में तिहात कोतवाली क्षेत्र में हुई दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया। चक्रोड़ न पड़ने को लेकर गांव के लोगों ने फावड़े से काटकर बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी। मुखबिर के सहयोग से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में अब्दुल्ला गनी पुत्र गोबरे व पत्नी चुनमुनिया की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी केशव चौधरी ने घटना का खुलासा करने का निर्देश दिया था। एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने मुखबिर का जाल बिछाया। मुखबिरों के सहयोग से पता चला कि मृतक अब्दुल गनी का चक्रोट पटने को लेकर तैनूर हुसैन सोनू उर्फ समीर व रजऊ उर्फ सहनूर का चक्रोट संबंधी जमीन का विवाद चल रहा था, जिसमें तैनूर हुसैन नहीं चाहते थे कि चक्रोट पटने, क्योंकि चक्रोट के पट जाने से तैनूर की लगभग 15 बीसवा भूमि कम हो जाती, जबकि मृतक जून माह के शुरुआत में जमीन पटवाने का प्रयास किया गया तो तैनूर आज ने उसको रोक दिया गया और 8 दिन का समय मांगा गया, जिसके बाद 8 दिन का समय पूरा होने पर उसके बाद फिर से सभी ने 2 दिन का समय मांगा। इसी बीच सुनियोजित ढंग से तैनूर सोनू उर्फ समीर सहनूर उर्फ रजऊ द्वारा अब्दुल गनी तथा उसकी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कोतवाली देहात एवं स्वीप सर्विलांस टीम द्वारा तैनूर तथा सोनू उर्फ समीर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त फावड़े को बरामद किया। आरोपी रजऊ उर्फ सहनूर अभी फरार है। सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड घटना का सफल अनावरण करने के लिए एसपी ने टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें गठित की गई थी और विवेचना के क्रम में घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई है जो उसी गांव के हैं। घटना का कारण जमीन का विवाद था, जिसमें मृतक के द्वारा जो आरोपी हैं उनकी जमीन में चक्रोट बनाने के बाद चल रही थी और उसकी पैमाइश होनी थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए जो आरोपी हैं उन्होंने उनकी हत्या की।